नमस्कार किसान भाइयों, द कृषि चौपाल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस साल ग्वार का वायदा बाजार कैसा रहने की है संभावना? जुलाई से लेकर दिसंबर तक वायदा बाजार में ग्वार गम और ग्वार सीड के बाजार में कितनी तेजी देखने को मिल सकती है और इसके कारण लोकल बाजार में ग्वार के बाजार पर कितना असर पड़ेगा और बाजार में ग्वार का बाजार कितना तेज हो सकता है? ग्वार गम और ग्वार सीड के वायदा बाजार और लोकल बाजार से जुड़ा ताजा अपडेट आपको बताएंगे इस वीडियो में। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा और आपकी लोकल मंडी में इस साल ग्वार का बाजार कितना तेज हो सकता है इसकी जानकारी के लिए आप अपनी मंडी का नाम हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसान भाइयों, इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती ग्वार गम की बाजार मांग और उत्पादन में गिरावट की संभावनाओं को देखते हुए ग्वार के बाजार में तेजी आने की संभावनाएं देखी जा रही है और इसके चलते वायदा बाजार में भी यदि ग्वार गम और ग्वार सीड के बाजार को देखा जाए तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक ग्वार गम और ग्वार सीड का वायदा बाजार भी लगातार तेजी के साथ ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि दोस्तों, वायदा बाजार में यदि देखा जाए तो जुलाई से लेकर सितंबर तक के शुरुआती 3 महीनों में ग्वार गम और ग्वार सीड का बाजार हल्की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार जानकारों का मानना है कि इस दौरान ग्वार की बाजार में आवक शुरू नहीं होने के चलते वायदा बाजार सुस्त रह सकता है, लेकिन वहीं अक्टूबर में जैसे ही ग्वार की बाजार में आवक शुरू होगी तो इस दौरान अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक वायदा बाजार में ग्वार का बाजार बड़ी तेजी के साथ ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे बाजार जानकारों का मानना है कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच ग्वार की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेज रहने की उम्मीद है और जैसे ही ग्वार बाजार में आना शुरू होगा वैसे ही विदेशी बाजारों से बड़ी मात्रा में ग्वार की सप्लाई शुरू होने के चलते ग्वार के बाजार में अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच बड़ी तेजी की संभावनाएं देखने को मिल रही है। ऐसे में किसान भाइयों, माना जा रहा है कि इस साल ग्वार का बाजार एक बार फिर से बड़ी तेजी दिखा सकता है। आने वाले दिनों में भी हम आपको ग्वार के बाजार से जुड़ा ताजा अपडेट समय समय पर देते रहने की कोशिश करते रहेंगे। इसलिए देखते रहें द कृषि चौपाल। जय हिंद, जय किसान।